नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स और साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस और उसके साथ में मिनिमम 10 स्टॉक्स। सो स्टॉक्स लेवल क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, ये सारी चीजें चार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक जाइए। इफ यू लाइक द लेवल्स, पुराने वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियोस में अगर आपको लगता है लेवल्स मैच होते देन प्लीज लाइक एंड शेयर आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी डेटा यू नो राइट, आई मीन दीज आर द लेवल्स आई प्रोवाइडेड फॉर टुडे, यानी कि कल मैंने यस्टरडे प्रोवाइडेड दीज लेवल्स फॉर टुडे ट्रेडिंग राइट। सो निफ्टी का देखिए सपोर्ट मैंने क्या बोला था, सपोर्ट 12,248 220। सो देखिए ये तो सपोर्ट थे, वो तो ब्रेक हुए हमारे, मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी वॉज मेकिंग सपोर्ट एट 12,020। सो इफ यू सी हियर दिस इज अ निफ्टी चार्ट, ऑलमोस्ट इफ यू सी दिस इज अ 30 मिनट चार्ट। सो इन 30 मिनट चार्ट मेनी टाइम्स वी सी द सपोर्ट वॉज टेकिंग अराउंड 12,225 एंड देन अगेन आई सेड 12,190 इज अनदर सपोर्ट। सो 12,190 हियर दिस कैंडल ऑलमोस्ट सी दीज टू कैंडल्स ऑलमोस्ट 190 टेकन सपोर्ट एंड देन अगेन 12,160। 160 की बात करें, देखिए यहां पर आकर के फाइनली निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, लो जो बना है आज का 12,153 का, बट हियर टू कैंडल्स वी कैन सी इन 30 मिनट्स। तो यहां पर एक 12,165 के आसपास में एक अच्छा खासा सपोर्ट रहा है एंड देन फाइनली इट इज क्लोजिंग अराउंड, इट क्लोज्ड अराउंड 12,176। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी का जो सपोर्ट था हमारा 12,160 वाला, दैट वॉज वेरी क्रुशियल सपोर्ट, आई यस्टरडे क्लियरली टोल्ड। नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट लेवल फॉर निफ्टी। देखिए अगर अभी भी आप लोग बोलते हैं इफ वी थिंक दैट निफ्टी इज बुलिश फॉर मे बी दिस वीक और 2 वीक, नो, अंटिल अनलेस निफ्टी इज ब्रेकिंग दिस सपोर्ट, दिस इज द लास्ट सपोर्ट एंड दिस इज द वीकली रेंज एज वेल। आई डिस्कस्ड ऑन वीकली एनालिसिस वीडियो, क्लियरली मैंने बोला था कि लो लो टाइप में, यानी कि लो साइड में जो हमारी रेंज होगी 12,130 एंड 12,080 वाला जो हमारा रेंज होगा वो हमारा वीकली लो बन सकता है। तो अभी देखिए वीकली लो की बात करें, ये वाला लो आ गया ऑलरेडी, वी हैव अचीव 12,160। नेक्स्ट लो दैट आर पॉसिबल आर 12,130 एंड 12,080। तो देखिए अगर निफ्टी कहीं ना कहीं 12,130 के लेवल पे आता है, एक स्ट्रांग चांस होगा, देर विल बी स्ट्रांग चांसेस ऑफ रिवर्सल एंड इफ नॉट देन अगेन दिस विल मेक अ फाइनल रिवर्सल, दैट आई कैन गारंटी फॉर दिस वीक। कहीं ना कहीं देखिए आई एम 90% आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस इज द स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी। तो निफ्टी में जो 1280 और सॉरी 12,080 यानी 12,080 एंड 12,130 के लेवल्स भी पॉसिबल है देखने में लो साइड में। अब अपसाइड की बात करते हैं, तो इन अपसाइड सी अर्लियर दीज वर द सपोर्ट, नाउ इफ टूडे इफ यू सी मैनी टाइम्स इट हैज टेकन सपोर्ट अराउंड 12,225 एंड देन नेक्स्ट इफ यू सी ऑलमोस्ट मैनी टाइम्स इट हैज टेकन सपोर्ट अराउंड 12,246 47। सो दीज टू अर्लियर ये दोनों सपोर्ट थे, अब यही दोनों हमारे बनेंगे रेजिस्टेंस। जी हाँ, अब ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे एंड वन मोर थिंग, 190 इज अगेन 12,190, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी दिस वन 12,190, देन 12,220, इसको अपडेट कर लेते हैं, देन 12,248। तो दोस्तों देखिए ये जो तीन लेवल अगर एक बार निफ्टी अचीव कर लेता है, यानी ये तीन रेजिस्टेंस, दीज थ्री रेजिस्टेंस आर ब्रोकन, देन वी माइट सी 12,280। सो कल की बात करें, फॉर टुमारो पॉसिबल रेजिस्टेंस और पॉसिबल अपसाइड लेवल्स आर दीज फोर, यानी कि 12,190 12,190 देन 12,220 यानी 12,220 देन 12,248 12,248 देन 12,280। तो ये चार हमारे पॉसिबल लेवल होंगे अपसाइड में। डाउन साइड की बात करें, अगेन वी हैव थ्री पॉसिबल सपोर्ट्स फॉर निफ्टी। तो निफ्टी में ये डेटा याद रखिएगा,
नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑप्शन चेन. तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे फॉर्मेशन और कॉल राइटिंग जस्ट सी 15 लाख एट द लेवल ऑफ 12,200, देन फ्रेश ओ आई ऑफ 14 लाख एट द लेवल ऑफ 12,250 एंड टोटल ओ आई इफ यू सी 25 लाख, देन 23 लाख, देन 33 लाख, यानी कि 12,200, 12,250 और 12,300. दीज थ्री लेवल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी दिस वीक. ये वीक की जो एक्सपायरी है यानी 2 जनवरी की जो एक्सपायरी है, ये देखिए 2 जनवरी का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल जो रहेंगे 12,200, 12,250 और 12,300 के रहेंगे. सपोर्ट, इफ यू टॉक अबाउट सपोर्ट, देन 12,150 हियर इफ यू सी वी हैव 12 लाख ओ आई, देन 15 लाख ओ आई एट 12,100. तो कहीं ना कहीं देखिए 12,100 और 12,150 का लेवल इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव अ गुड, स्टिल वी हैव गुड सपोर्ट एट दीज लेवल्स. तो कल देखते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक होता है कि नहीं. इफ निफ्टी गिव्स क्लोजिंग अबाउट 12,200 टुमारो, देन अगेन वी माइट सी 12,250 एंड 12,300 वी कैन एक्सपेक्ट. सो निफ्टी में हमारे लेवल्स ऑलरेडी यू गाइज नो, सो दीज आर द निफ्टी लेवल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की अगर बात करें, हियर वी हैव बैंक निफ्टी. ओके देखिए बैंक निफ्टी ने अगेन अपना इसका जो एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 32,100 वाला, या फिर ये वाला हमारा जो सपोर्ट है ये मेंटेन हुआ है. क्लोजिंग इज आल्सो अराउंड 32,179 इज द क्लोजिंग टुडे. सो बैंक निफ्टी के लेवल्स एक बार मैच कर लेते हैं. सपोर्ट आई टोल्ड अर्लियर सपोर्ट विल बी 32,250. So let's check, this is daily chart, let's make it hourly chart. So hourly chart में अगर हम देखेंगे maximum support इसने face किया है 32,050 के आसपास में 150 and then lowest point is 32,000 almost 112. तो देखिए जो हमारा 32,100 के आसपास का जो level था support का, this was clearly maintained and then next support was 32,200. So if we see here गाइज, हियर इफ यू सी 32,000 ऑलमोस्ट 210, हियर इफ यू सी एटलीस्ट 3-4 कैंडल्स वी आर हैविंग एट लेवल ऑफ 32,210. तो ये भी हमारे सपोर्ट आज मेंटेन रहे हैं. अब दोस्तों देखिए अगर इन सपोर्ट्स की हम बात करें, दीज विल बी नाउ रेजिस्टेंस. जी हाँ, ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी 32,250, 32,200 दीज विल बी द रेजिस्टेंस. एंड आफ्टर दैट लेट्स अपडेट इट, यानी कि पहला रेजिस्टेंस होगा 32,200, देन 32,250, देन 32,360 एंड दीज आर द रेजिस्टेंस. टुमारो वी माइट सी दीज रेजिस्टेंस, यानी कि कल अगर हमें बैंक निफ्टी में लेवल्स मिलते अप साइड में तो हमें कहीं ना कहीं ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं, यानी 32,460 तक के लेवल इजिली आ सकते हैं. सपोर्ट की बात करें, दिस इज नो डाउट स्ट्रांग सपोर्ट, वेरी स्ट्रांग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. अगर ये ब्रेक हुआ, इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स दिस, देन डेफिनेटली वी विल सी दिस लेवल एज वेल, यानी 31,980 तक के हमें लेवल मिल सकते हैं. तो ये 3 सपोर्ट हैं जो कि बैंक निफ्टी में कल हमें मिल सकते हैं, यानी डाउन साइड इफ वी सी वी माइट सी दिस वन. अपसाइड की बात करें, सो वी हैव सीन टिन लाव 32,600. सो देखिए वीकेंड तक में ये वाला लेवल आता है कि नहीं है. तो दोस्तों कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स क्लियर हैं 32,090, देन 31,980 एंड आफ्टर दैट 31,770 सपोर्ट रहेंगे, बाकी रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर मेंटेन है. चलिए एक बार इसको आवरली चार्ट से अगर हम लोग देखें, आवरली चार्ट में भी ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लाइन अगर आप यहाँ पे ड्रा करोगे, ठीक ठाक रेजिस्टेंस पर है. नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ से बनेगा ऑलमोस्ट 31,970-990 के आसपास में रहेगा. अगर इसको लोग डेली बेसिस पे देखें, डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 5 कैंडल हियर, देन 6 कैंडल, देन 7 कैंडल, 7 कैंडल्स आर ऑलरेडी हियर एंड दिस इज द गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी देखिए 32,100 या 32,090 के आसपास से रिवर्सल ले सकता है. बट अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स दिस, आई मीन दिस लेवल दैट इज 32,000 ऑलमोस्ट 90, देन वी माइट सी दिस सपोर्ट. दिस सपोर्ट इज नथिंग बट
31,980, तो यहां तक के लेवल पॉसिबल हो सकते हैं कल डाउनसाइड में, तो इस पे नजर बना के रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स की। सो हवर फर्स्ट स्टॉक इज NIIT टेक। तो NIIT टेक्नोलॉजीज, इसमें जो हमारा डाउ सपोर्ट है, सपोर्ट इज 1581 सपोर्ट है। एंड यहां से देखिए 2 दिन से हैमर कैंडल बन रहा है अपसाइड में। एट अपसाइड इट इज ऑलमोस्ट गिविंग अस 1600, यानी 1600 तक के लेवल अचीव होते दिख रहे हैं। डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करें, 1580 इज द सपोर्ट, तो 1580 का सपोर्ट है। बार बार यहां से रिवर्स करके 1600, ये यानी 20 पॉइंट्स की मूवमेंट दे रहा है। तो कल भी दोस्तों अगेन NIIT टेक कैन ट्राई टू अचीव 1600 एंड ब्रेक इट। अगर इफ डाउन साइड 1580 इज ब्रोकन एंड इट सस्टेन्स बिलो 1580, देन वी माइट सी दीज लेवल, यानी 1570 1560 इज पॉसिबल इन NIIT टेक। 60% आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा केमिकल। इफ यू गाइज हैव ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, देन यू माइट नो टूडे आई गिवेन अ कॉल ऑन टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल स्टॉक में देखिए एक हैमर है, इन्वर्टेड हैमर ऑलमोस्ट, बट दैट इज नॉट परफेक्ट हैमर, बट देर इज अ रिवर्सल कैंडल एंड फ्रॉम हियर वी माइट सी अगेन। सी देखिए यहां पे इसने एक कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद में लेवल आई गिवेन वॉज 675, यानी 675 का लेवल दिया था, वो अचीव हुआ। एंड हाई इज नथिंग बट 678 ऑलमोस्ट, यानी 678 तक के लेवल टाटा केमिकल में अचीव हुए। कल फिर से स्टॉक में नजर रखेंगे, कल फिर से हमें ऊपर की तरफ 670 और 675 के लेवल्स मिल सकते हैं। डाउन साइड की बात करें, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज 664, यानी 664 का सपोर्ट रहेगा। देन नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फोसिस। सो गाइज, इन्फोसिस इज अगेन, इफ यू सी इट इज ट्रेडिंग, और वी कैन सी इट इज कंसोलिडेटिंग एट इट्स यूजुअल सपोर्ट, एंड इट्स यूजुअल सपोर्ट इज नथिंग बट 729, यानी 729 का जो इसका एक सपोर्ट है वो मेंटेन है। और ऊपर की बात करें रेजिस्टेंस, अभी ये देखिए शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो है 736 737 का। तो इन्फोसिस फिर से कल इसी चैनल में रह सकता है डाउन साइड में, अगर हम लोग बात करें, यानी कि 725 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा, वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अप साइड में 736 यानी 736 विल बी द रेजिस्टेंस, एंड वंस वंस इन्फोसिस ब्रेक 736 देन वी माइट सी 740 लेवल्स। सो नजर रखिए, स्टॉक में कंसोलिडेट हो रहा है, किसी ना किसी दिन एक ब्रेकआउट मिलेगा, आइदर अप साइड और डाउन साइड, मोस्ट प्रोबेबली अप साइड। तो नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा ICICI बैंक। अगेन इट इज ट्रेडिंग एट इट्स सपोर्ट लेवल। जी हाँ, इसका जो एक सपोर्ट जोन है इसी के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, एंड सपोर्ट इज नथिंग बट 537, दिस इज द सपोर्ट, अगर 537 को ब्रेक करता है देन वी माइट सी द लेवल ऑफ 533, यानी 533 तक के लेवल मिल सकते हैं। सॉरी, अदरवाइज इफ रिवर्सल हैपेंस वी माइट सी द लेवल ऑफ 543, यानी 543 तक के लेवल इस पे मिल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एक्चुअली ICICI बैंक में, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल फ्रॉम हियर। देन फ्रेंड्स, अगेन नेक्स्ट स्टॉक विल बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक दिस स्टॉक डेली आई एम डिस्कसिंग। सो अगेन वी नो द सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक इज 327, एंड फर्स्ट सपोर्ट इज एक्चुअली 330 देन 327, दीज आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। और अगर एक बार 333 के नीचे ट्रेड करता है वी माइट सी 330, और 330 के बाद एक रिवर्सल पॉसिबल होगा, तो वेट करेंगे। वंस इट कम्स टू 330 और 327 वी कैन टेक अ ट्रेड फॉर अपसाइड। नेक्स्ट स्टॉक विल बी अदानी पोर्ट। दिस इज द न्यू स्टॉक आई एडेड टूडे, न्यू स्टॉक इन द सेंस लास्ट वीक से मैं अदानी पोर्ट पे कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा था। सो गाइज, हियर वाई आई सेलेक्टेड दिस स्टॉक, बिकॉज दिस इज कंसोलिडेटिंग एंड सेलिंग वॉज सींग इन दिस स्टॉक फ्रॉम पास्ट 1 वीक, बट नाउ हियर वी हैव सीन वन रिवर्सल कैंडल। सो कहीं ना कहीं वी माइट सी 370 लेवल। जी हाँ, 370 तक के लेवल इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो स्टॉक पे नजर रखिए। सपोर्ट की बात करेंगे, सो देन सपोर्ट इज 363, यानी 363 का सपोर्ट रहेगा। 60% आई एम बुलिश ऑन अदानी पोर्ट।
Next stock TCS from last 3 days. I'm keep telling TCS is short. First target was 2170, that was achieved. Then 2160, that is also achieved today. So this is the support. Agar ye support break hota hai, 2160, 2160 is broken tomorrow, then we might see next level, that is 2150 and 2148, yani 2150 aur 2148 tak ke level hame isme dekhne ko mil sakte hain, and we might see a reversal from there. So let's see what happens in TCS. Then Coal India, I think day before yesterday, ji haan, second last video mein maine bola tha Coal India we can go for the target of 210 and then 213. So today high is 211. Dosto, next level, or we can say next resistance, will be around 213 or 14. So 213 aur 214 tak ka level agar ek baar aa jata hai to wahan se ya to breakout hoga, upside mein breakout happens, then we can see 220 as well. But resistance zone jo is stock mein hai wo hai 214 यानी 214 टू 216, 214 से 216 के बीच में रेजिस्टेंस है. तो एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है देन ओनली इट कैन मूव अप, अदरवाइज अगेन वी माइट सी रिवर्सल. तो इस पे नजर रखिएगा. बाकी जिन्होंने एक्युमुलेट किया था 203 पे व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एज 203 यानी 203, दैट टाइम आई रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू बाई फॉर टारगेट ऑफ 210 यानी 210 के टारगेट के लिए रिकमेंड किया था. नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रेमंड. ये दोस्तों स्टॉक मेरी नजर में आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आज इसने देखिए, इफ यू वांट टू लर्न द एनालिसिस दैट इज वेरी सिंपल, सीन चार्ट एनालिसिस, इन्वर्टेड हैमर, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म्ड एंड टुडे वी सी वेरी स्ट्रांग मूव. आई थिंक फ्रॉम 645 टू 670 ऑलमोस्ट 30 प्लस पॉइंट आज हमें मिले, 32 पॉइंट मिला है हुआ हमें. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट एट इट्स रेजिस्टेंस दैट इज 672. अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 685. तो इस रेमंड पे नजर रखिए और एक कैंडल स्टिक पैटर्न लर्न करने का एक अच्छा तरीका यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ. यू गाइज इफ यू आर न्यू, you don't know candlestick pattern, you can learn here. See, stock was coming down and down and down from last many days, and then one inverted hammer candle formed and then we see a strong move. Next is Hindustan Lever yani HUL ka stock hai hamare paas. HUL mein dosto ek dekhiye iska jo support tha, kafi din se consolidate kar raha tha apne support ke paas mein, aur wo support iska ye wala yani ki almost support was 1937 is broken now. So here again it we have seen 1919. Next level we might see here is 1900 yani 1900 tak ka hame pehla target milega niche ki taraf mein, aur agar wo bhi break hota hai then we might see next target that is 1880 yani 1880 tak ke level isme hame mil sakte hain. To nazar rakhiye stock mein, abhi long mat kariyega isko jab tak reversal ke chance na dikhe. नेक्स्ट स्टॉक इज जुबिलेंट फूड, दैट इज नथिंग बट डोमिनोज पिज्जा. जी हाँ, डोमिनोज के पिज्जा इस समय काफी ऑर्डर किए जा रहे हैं, न्यू ईयर है. तो देखिए स्टॉक में अगर आप देखोगे, एक अपने सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया, रिवर्स किया, लगातार चार दिन में से अगर तीन दिन देखोगे स्ट्रांग मूव मिला अपसाइड में. हाई है आज का 1665. So tomorrow again we can expect same level, that is 1665 then 1680 as well. तो stock पे नजर रखिए. almost ये अपने देखिए इसका जो resistance था, resistance को इसने break कर दिया है. ऊपर की तरफ आपको 1900 तक के move आ सकते हैं, यानी 1900 तक के भी हमें, sorry not 1900, 1700 यानी 1700 तक के level हमें इसमें मिल सकते हैं. तो नजर रखिएगा. next stock is ग्रासिम. ओके, सो ग्रासिम आल्सो शोन सम स्ट्रेंथ टुडे, इवन आई शेयर अ कॉल ऑन ग्रासिम टुडे. सो देखिए ग्रासिम में भी एक बुलिश नेचर शो हो रहा है. यहाँ से देखिए सपोर्ट के पास में कंसोलिडेट किया इसने कई बार, और आज एक फाइनली स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी हुई दिख रही है आगे. बट अगेन देखिए जो इस पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज 745. अगर कल 745 के ऊपर ग्रासिम ट्रेड करता है देन वी माइट सी द लेवल ऑफ 755. तो स्टॉक पे नजर रखिएगा. नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस एशियन पेंट्स. जी हाँ, एशियन पेंट्स पे आप नजर डालो,
तो कहीं ना कहीं देखिए एक लेवल बनता दिख रहा है, हमें जो एक सपोर्ट की तरफ आता दिख रहा है, दैट इज 1760, यानी 1760 तक के लिए आ सकता है, बट उसके पहले एक सपोर्ट इसको मिलेगा, दैट इज 1777, यानी कि 1770 और 1775 वीकेंसी। तो 1775 तक के लेवल पे एक सपोर्ट आ सकता है, उसके बाद में नीचे अगर गिरेगा तो 1760 तक के लेवल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज डेल्टा कॉर्प। जी हाँ, डेल्टा कॉर्प में आज कहीं ना कहीं फिर से एक हम लोग बोल सकते हैं अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है अपने लेवल पे, एक वी माइट सी अ रिवर्सल फ्रॉम ईयर। सो इस स्टॉक पे नजर बना के रखिए, अगर थोड़ा और गिरता भी है देन नेक्स्ट लेवल भी 195। इस स्टॉक को 2-3 महीने के लिए एक्यूमुलेट कर लीजिए 193 195 के आसपास, उसके बाद में डेफिनेटली आपको एक मूव दे के जा सकता है। और अगर एग्जिट की बात करेंगे, इफ इट ब्रेक्स 188 डेफिनेटली यू कैन एग्जिट दिस स्टॉक। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, लेवल पसंद आए हो, पुराने वीडियोज में जाइए, लेवल्स मैच कीजिए, अगर आपको लगता है लेवल्स आर वर्किंग फॉर यू देन प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और इसके साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।